नमस्कार, आप सभी विद्यार्थियों का इस ई लेक्चर में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कमर्शियल आर्ट डिपार्टमेंट में एक विषय है CA303 प्रोफेशनल स्टडीज। प्रोफेशनल स्टडीज के अंदर एक टॉपिक है द एडवर्टाइजिंग शेड्यूल, विज्ञापन अनुसूची। इसके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा, इसके बारे में आपको लेक्चर दूंगा कि एडवर्टाइजिंग शेड्यूल क्या होता है, मीडिया शेड्यूल क्या होता है और इसको किस प्रकार से इसकी आवश्यकता होती है। इन सब बातों का आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अनुसूची शब्द को समझते हैं। शेड्यूल का मतलब है टाइम टेबल। जब भी हम किसी चीज को सूचीबद्ध करते हैं, किसी चीज का टाइम टेबल बनाते हैं, तो उसको हम अनुसूची कहते हैं। अब यहां पे इस संदर्भ में हम अगर विज्ञापन से जोड़ें, तो जब हम विज्ञापनों को सूचीबद्ध करते हैं, विज्ञापनों के समय को सूचीबद्ध करते हैं, तो उस सूचीबद्धता को विज्ञापन अनुसूची कहते हैं। इसी को हम मीडिया शेड्यूलिंग भी कह सकते हैं। एडवर्टाइजिंग शेड्यूल या मीडिया शेड्यूल लगभग एक ही सी चीज है। एडवर्टाइजिंग शेड्यूल को जो काम करते हैं, जो शेड्यूलिंग करते हैं, वो मीडिया प्लानर्स करते हैं। जो मीडिया प्लानिंग करते हैं, जो मीडिया बाइंग एजेंसीज होती हैं, जो मीडिया प्लानर्स होते हैं, वही मीडिया एडवर्टाइजिंग के शेड्यूल को भी तय करते हैं। तो शेड्यूल का अर्थ है विज्ञापनों को प्रसारित करने की सूची को, उनके समय को सूचीबद्ध करना, उनके प्रसारण किस माध्यम में वो प्रसारित होंगे, उन माध्यमों में कब कब किन किन माध्यमों में होंगे, कितने प्रकार से होंगे, किस समय पर होंगे, किस स्थान पर होंगे, उन सब बातों का अध्ययन और उन सब बातों को सूचीबद्ध हम एडवर्टाइजिंग शेड्यूल अथवा मीडिया शेड्यूल में करते हैं। अब एडवर्टाइजिंग शेड्यूल के अंदर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी ये शेड्यूल बनाया जाता है, कंपनीज अपने शेड्यूल को ईयरली वार्षिक रूप से तय करती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम एक महीने का शेड्यूल बना लें और उसके बाद दूसरे महीने का हमें पता नहीं है। जब भी इन शेड्यूल्स को बनाया जाता है, एडवर्टाइजिंग शेड्यूल्स को, तो वार्षिक स्तर पर बनाता है, एनुअली बनाया जाता है। क्योंकि कंपनीज, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज या जो भी निर्माता है या जो भी उस प्रोडक्ट को बना रहा है, वो उस एजेंसी को, एडवर्टाइजिंग एजेंसी को या मीडिया बाइंग एजेंसीज को जब वो कहता है विज्ञापन को प्रसारित करने के लिए, तो वो उनको ईयरली अकाउंट्स देते हैं। एक साल, एक वर्ष भर का वार्षिक प्लान होता है। तो जो अनुसूची है वो वार्षिक रूप से बनाई जाती है, उसमें हर मंथ की और किस मंथ में कितना दिया जाना है, तो इस प्रकार से यह वार्षिक होती है। जो अनुसूची है उसे हम वार्षिक कहते हैं। दूसरी बात यह है कि जो इम्पोर्टेंट चीज है कि ये समय सारणी है, इसको हम टाइम टेबल कह सकते हैं, मीडिया का टाइम टेबल, मीडिया प्रसारित करने का टाइम टेबल। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि इसमें विज्ञापनों का समय निर्धारित किया जाता है। अब समय से हम ये समझें कि किस समय, किस दिन को, किस महीने को, अथवा एक महीने में कितनी बार, किस दिन को, अथवा एक दिन में कितनी बार, इन सब सारे समय को हम जब निर्धारित करते हैं, डिसाइड करते हैं, उस डिसीजन को हम एक मीडिया शेड्यूल के अंदर हम उतार लेते हैं। इसी के अंदर विज्ञापनों का समय और आकार भी आता है। अभी जैसे हम मान लीजिए विज्ञापनों का समय हम टाइम ड्यूरेशन देखें, तो टाइम ड्यूरेशन को हम कई तरीके से बांट सकते हैं कि हर महीने में क्या उसे हर संडे को देना है, अथवा हर महीने में रोज देना है, और अगर हमें डेली देना है, दैनिक रूप से देना है, तो हमें कितने समय देना है, और अगर हमें किस समय हमारा तय है, अगर हमारा ड्यूरेशन तय है, तो हम ये तय करेंगे कि किस समय देना है, दोपहर में देना है, किसी कार्यक्रम के पहले देना है, किसी कार्यक्रम के बाद में देना है। तो समय तय हो गया, दिन तय हो गया, दिनांक तय हो गई, और इसका ड्यूरेशन भी तय हो गया। ड्यूरेशन का अर्थ यह है कि 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, कितने समय का हमें इसे देना है। दूसरी बात, इसमें रिपीटेशन भी है। अगर हमें मान लीजिए कि एक दिन में 3 बार देना है, 4 बार देना है, वो आगे हम उसको डिस्कस करेंगे जब हम थोड़ा इसको विस्तृत रूप से समझेंगे कि टाइप्स ऑफ मीडिया शेड्यूलिंग क्या है, उनके पैटर्न्स क्या है, उनको किन किन मेथड्स में है, तो हम समझेंगे कि एक महीने में हम मैक्रो, माइक्रो, कई तरह की इसकी पद्धतियां होती हैं, हमें कंटिन्यूस करना है, हमें पल्सिंग करना है, हमें फ्लाइटिंग करना है। तो ये सब कुछ प्रकार हैं, टाइप्स हैं, जिनको हम शेड्यूल के अंदर हम लेते हैं, उसको आगे हम विस्तृत रूप से समझेंगे। अभी हमें यही समझना है मीडिया शेड्यूल को, एडवर्टाइजिंग शेड्यूल को, कि एक समय सारणी है, एक टाइम टेबल है, विभिन्न विभिन्न माध्यमों में। जैसे मान लीजिए आप आउटडोर मीडिया तय करते हैं, तो होर्डिंग है, तो होर्डिंग को किस समय लगाना है, किस स्थान पे लगाना है, स्थान भी इंपॉर्टेंट है, समय भी इंपॉर्टेंट है। अब एक पूरा शहर है, अब पूरे शहर में तो हम लगा नहीं सकते होर्डिंग, तो उस शहर के अंदर किस जगह पे लगेगा वो, किस स्थान पे लगेगा,
किस समय पे लगेगा, किस महीने पे लगेगा, इस प्रकार से स्थान भी, जैसे विज्ञान का समय स्थान ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण चीज है आकार। अब हम आकार को हम समझें कि जैसे मान लीजिए हम न्यूज़पेपर के अंदर कोई हम प्रिंट एड दे रहे हैं, तो उस प्रिंट एड को देने का आकार क्या होगा, क्या साइज होगा, मान लीजिए फुल पेज है, हाफ पेज है, या अलग अलग कॉलम सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो क्या आकार हो उसका, प्लेसमेंट, क्या हम उसको फर्स्ट फ्रंट पेज पे दे रहे हैं या लास्ट पेज पे दे रहे हैं या मिडिल में किसी पेज पे दे रहे हैं, या किस प्रकार से उसकी पोजीशनिंग को भी हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं मीडिया अनुसूची। कुल मिला के एक अगर शेड्यूल हमारा सही होगा, हमारा टाइम टेबल सही है, तो मीडिया को कब कब कैसे कैसे प्रसारित करना है, विज्ञापनों को कैसे कैसे प्रसारित करना है, इस बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और पूरी प्लानिंग हमारे पास एडवर्टाइजिंग या मीडिया शेड्यूल के रूप में निर्माता अथवा एजेंसी के सामने तैयार रहेगी, जिस जो कि हमारे विज्ञापन की सफलता को तय करेगी और उसकी उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी। तो इस प्रकार से मीडिया शेड्यूल अथवा एडवर्टाइजिंग शेड्यूल मीडिया प्लानिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसको कि हम तय करते हैं और मीडिया प्लानर्स बनाते हैं। और हमारे विज्ञापनों की सफलता के अंदर, विज्ञापन कैंपेन की सफलता के लिए, एडवर्टाइजिंग के उद्देश्य के लिए, मार्केटिंग के उद्देश्य के लिए ये एक महत्वपूर्ण औजार है, महत्वपूर्ण टूल है। धन्यवाद।